हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विनाश किचन पर। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का चीला। दो कप 10 से 15 मिनट भीगी हुई मूंग दाल। एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें 4 से 5 टुकड़े अदरक के डालेंगे, एक कटी हुई हरी मिर्च, भीगी हुई मूंग दाल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और सभी को अच्छे से बारीक पीस लेंगे। अगर पेस्ट गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा पानी और मिला लें। पेस्ट इस प्रकार का बने कि वो न गाढ़ा हो न ज़्यादा पतला। अब इसमें एक चुटकी हींग डालेंगे, एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, सभी को अच्छे से मिला लेंगे। एक चम्मच जीरा, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज, एक मीडियम बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सभी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। मीडियम आंच पर तवा रखेंगे, तवे पर 1 चम्मच तेल लगाएंगे, फिर उस पर बैटर डालेंगे। बैटर को बीच में से घुमाते हुए फैलाएंगे। उस पर करीब 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे। दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। चीला बनकर तैयार है। आप इसे ग्रीन चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।